नमस्कार मुनमिता हानिसार चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम बनवा गोटे थाली दसरा स्पेशल वेज थाली बनवा। तो वेज थाली बन सारे जदि समय हम मुझे आपण मानी ननवेज थाली प्रिपेयर करके भी शेयर करी। तो वेज थाली में कौन कौन आइटम बनब जल्दी से चलत स्टार्ट करवा। थाली बनवर अच्छे मैंने गपसप बहुत कम करार अच्छी। तो बर्तमान चलत मुझे राइस आइटम प्रिपेयर करी। राइस रे आमर गोटे बनवा वेजिटेबल पुलाव बनवा जो थे कि बीन्स गाजर फुलकोबी अदा पिज पकेबिनी एतिक पकई मुझे पुलावटा बनेबी। आ से पुलाव करने देखु मुझे आमर बीन्स आ गाजर अदा फुलकोबी सब कुछ बढ़िया से चॉप्ड करके रखीचे। आउ रहा ये आम चाउल ये चाउल को बढ़िया से बतरे रखी यहाँ हूँ बासमती चाउल। तो बर्तमान जल्दी से चलते कुकिंग स्टार्ट करवा। प्रिपेरेशन हूँ एति बाकी जहाँ सब गोटा मसला पड़ो तो झटपट चलते पुलाव बनवा। तो वेजिटेबल पुलाव बनवाई प्रथम आम कौन करवा ये रिफाइंड तेल को गरम करवा। मुझे प्रेसर कुकर में बनईबी आप चाहिए कड़े भी बन पारे। रिफाइंड तेल गरम कला को से आम पकईद दी चामच रिफाइंड तेल रे गोटे चामच घी। तेल गरम हेले आम पकईद तेजपत्र गुजराती गोलमरीच दालचीनी स्टार फूल आ रहा ये लवंग सब गोटा मसला मोर भलेसे गरम हो गला। तो ये आम ए पकईद टिके जीरा जीरा फुटला बेलू आम पकवा देखो ये रहा आम अदा कंचा लंका एवं आम पकईद फुलकोबी आठ पकईद आमर गाजर बीन। बर्तमान पनीपरिया को आम जस्ट अल्प टिके भाजीद पनीपरिया भाजला को पकई दिंतु टे लुण हल्दी पकेबा हूँ टोटली ऑप्शन बट मुझे टिके लाइट हल्दी पुलाव बनईबी तो मुझे हल्दी टिके पकईबी। तो बर्तमान ये आम बीन्स गाजर भाजी गला बेसी आपको भाजबे ओवर कुक हो ना। तो बर्तमान आम पकईद ये आम चाउल चाउलटा आपणकर जेहेतु बतुरा है हालाकर गोलैबे ना चाउल सब भांगी जीवो। तो मुझे गोटे कथा कहबी जेहेतु मुझे चाउल को ये बतुरे थी तो से गोटे ग्लास चाउल दी ग्लास पा बदल मुझे गोटे ग्लास चाउल देढ़ ग्लास पा पकई कारण चाउल अलरेडी बतुरी अच्छी। तो बर्तमान ये मुझे कौन कर देखो पकईदेवि आम स्वाद अनुसार लुण तो वर्तमान ये जो प्रेशर कुकर आम लिडटा बंद करके गोटे हुई आसला पर्यटन मीडियम फ्लेम रे कुक करूँ कारण चाउल अलरेडी बतुरी अच्छी। जदि आपटा को दुईटा हुई कर दिखती देन आप चाउल ओवर कुक हो तो मीडियम फ्लेम रे गोटे हुई आसला पर्यटन कुक करूँ तापर गैसटा को बंद करके प्रेसरटा रिलीज होगा पर्यटन व्वेट करूँ तापर देखिए आपंकर पुलाव पूरा दाना दाना गोटिकिया हो रो। तो अलरेडी गोटे सीटी बाजि सारा तो ये मुझे गैसटा को बंद करके थंडा पाक छाड़ी। तो एबे आमर पुलावर प्रेसरटा रिलीज हो सारा तो लिडटा ओपन करवा। तो यहाँ को पुलाव को सब सांगे सांगे सर्व करे आपको जस्ट आप हालाकर गोल कि समय वेट करूँ आप देख पारे पूरा गोटिकिया चाउल हो दाना दाना हो पुलाव। लास्ट आम कौन करवा आपको जो 10-15 मिनट रखा से मझे आप टे घी पकई दिंतु आईटा को हालाकर गोल दिंतु जमीक घीर फ्लेवरटा पूरा रईस पलब। तो
बर्तमान आम कौन करवा यू एगेन कभर करके गोटे 10-15 मिनट पर्यंत रखिद। तो पुलाव तो बनई सारे वेजिटेबल पुलाव, वेजिटेबल पुलाव सहित कम्बिनेसन करें डाल फ्राए और डाल फ्राएटा बहुत ही टेस्टी कम्बिनेसन परफेक्ट कम्बिनेसन विथ पुलाव। तो बर्तमान मुझे हर डाली डाल फ्राएटा बनईबी, तो डाली तो अलरेडी मु गैस बसई सारे, डाली जो डाल फ्राए बनब कौन कौन प्रिपेरेसन करा पड़ो, बाकी हल्दी गुंड कसूरी मेथी ये से सब तो परे ही पड़ो मुझे सेयार करी, कि जोगाड़ कौन कर पड़ो से हूँ कौन टमाटर काटा पड़ो। मुझे दीटा टमाटर काटी, दीटा पियाज को स्लाइस करदा आ कि रसुण ताको फाइनली चॉप करके नहीं, तो इतनी हूँ मेन कटिंग काम जोगाड़ काम। तो बर्तमान भी चलत आम कुकिंग स्टार्ट करवा। तो डाल फ्राए बनवाई देखो तो मुझे हरड़ डाली को धोईकी पा नहीं आई, से पानी टिके आम पकईदे बेसी पाया करे अल्प पा दे आम पकईदे स्वाद अनुसार लुण हल्दी गुंड पकईवा। डालीटा सीझेला बेलू आम से अल्प टिके अदा पकईदे भल फ्लेवर आसे। आए मुझे पकईदे आम रसुण अल्प टिके पियाज पकाचे, समस्त डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल थाए तो मुझे हिसाब से डाल फ्राए बनाए। टमाटर जो दुटा काटिक रखी ताको पकईदे, तो ये आम लिडटा बंद करवा आई डाली को दीटा हुईसिल आसला पर्यटन कुक कर लो मीडियम फ्लेम रे। तो ये आम गैसटा बंद करके प्रेसर कुकर को ठंडा हाँ छाड़ा। तो ये आम लिडटा ओपन करवा, प्रेसर कुकर ठंडा ही सारा। तो डाली आमर बढ़िया से सीझी सारी, देखो डाली जो तो डाल फ्राए बनवे डालीटा एमती रहा दरकार, पूरा पेस्ट भाया हवा दरकार नहीं। तो यटा को आपड़ हालाकर गोल दिं, टमाटोटा को टिके टिके चिपी दे जाफर टमाटोटा पूरा पेस्ट हो। तो बर्तमान चलत आम तड़का दबा स्टार्ट कर। तो डाल फ्राएटा मुझे बनईबे सोरस तेल रे, तो आप चाहिए रिफाइंड तेल बटर रे भी बनई पारे, घी रे भी बनई पारे। तो मुझे सोरस तेल टिके गरम कर, तो ये बर्तमान मुझे पकईदेवि आम फुटण, ड्राए चिली आम पकईदे आम पियाज रसुण अदा सब पकईदे एक थर के। तो पियाज लाइट ब्राउन कलर होगा पर्यटन भाजीद, तो बर्तमान ये करी पत्ता भी पकेबा, करी पत्ता पकेले डाल फ्राएटा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आसे। एमें टे पकेबा आम कसूरी मेथी टिके हिंगू तड़का अनुजाई लुण बर्तमान आप देखु आमर पियाजा भल भाव भाजी ही आसला। तो ये आम ए पकईद कि गुंड मसला, गुंड मसल प्रथम मुझे पकईदे आम टे लंका गुंड गोटे चामच, मुझे पकईली आम चिकेन मसला गुंड। तो ये आम पकईद ये डाली, पकईदे धनिया पत्र। तो ये आम डाल फ्राए रेडीगला, एवं आम गैसटा को बंद कर। तो डाल फ्राए बनी सारापर आम बनवा एवं पनीर लवाबदार, आईटा टी रयल रिच फुड, तो से दशहरा स्पेशल एमती रिच फुड रहा कथा। तो बर्तमान जल्दी से चलत देखा कौन सब इनग्रीडियंट दरकार पड़े ये पनीर लवाबदार बनवाप। पनीर लवाबदार बनवाप देखूँ मुझे नहीं पनीर क्यूब, यहाँ 200 ग्राम पनीर नहीं। मसला रे बाटिया मुझे दुटा मीडियम साइज टमाटर को काटिक रखे, गोटे बड़ पिज को काटिक रखी, अदरवाइज आप दुटा मीडियम साइज पिज भी क्यूब करके काटि दिंतु मसलार पेस्ट बनवाई।
आ मसला पे मु एटी 10 खोला रसुण और हाफ इंच अदा को एमती छोट छोट काटि देछि आ जेहेतु एटा रॉयल फूड ए पनीर लवाबदार बनुछि त हमें एठी काजू नबा गोटे 7-8 खोला काजू नेछि मु एठी आ गोटा मसला गरम मसला रे देखंतु प्रथमे त हमें एठी कसूरी मेथी यूज करबा आउ एठी मु नेछि किछि गोलमरच गोटे तेजपत्र को एमती खंड खंड कर देछि दिटा गुजराती नेछि आउ एठी मु नेछि गोटे दालचीनी खंड ताकु गुंड कर देछि माने खंड खंड कर देछि आउ एठी नेछि मु गोटे बड़ स्पून धनिया गोटा धनिया नेछि आपण जेले गुंड धनिया भी यूज करि परबे आउ मु एठी नेछि एठी गोटे चम्मच धनिया रे हाफ चम्मच जीरा नेछि तो वर्तमान ए सब गोटा मसला भी हमें मसला रे ग्राइंड कर देबा इनग्रीडियंट तो देखिले कौन कौन सब दरकार से सब होछि हमरो प्रिपरेशन करबा दिन सब बाकी गुंड मसला मु सब आपण को पर देखिबे अदर टू सेट आपण पाखरे अवेलेबल थिबो तो बर्तन जल्दी से चलन तो हमें कुकिंग स्टार्ट करबा तो प्रथम आम मसला रेडी करवा से देखो तो मुझे टिके बटर क्यूब नहीं टिके नवा ये रिफाइंड तेल तो बर्तमान मुझे पकईदेवि सब गोटा मसला तो मुझे दीटा लवंग पकैया देखिया भूली जाइली तो लवंग भी दीटा पकईदे एबे आम ए अदा रसुण पकईदे पिज पक पिज टे नरम हो आसला बेलू आम पकईदे काजू काजू आगु पकईदे आपर काजुटा पोड़ से मुझे लेट्रे काजू पकाचु एबे हमें पकईदे टमाटर स्वाद अनुसार लुण एबे पकईदे लंका गुंड अल्प टिके हल्दी गुंड आ अल्प टिके पानी पकईदे तो यहाँ को हमें कवर करिबा कवर करके एक लो फ्लेम रे गोटे 10 मिनट पर्यंत कुक करंतु एबे हमें लीड ओपन करिबा तो ये हमर पियाज टमाटर सब भल भाव कुक सारे गैस टाक बंद करिबा आपको किस समय थंडा हाँ छाड़ा थंडा है भल भाव ब्लेंड करदे मसला आम रेडीगला तो बर्तमान चलत आम कुकिंग स्टार्ट करवा बर्तमान मुझे पकईदेवि आम रिफाइंड तेल ये पकेबा हमें बटर क्यूब मसला पकईदे तो ये हमें मसला रे पकईदे आम टे कश्मीरी चिल्ली पाउडर बढ़िया अट्रैक्टिव कलर आसापी अल्प टिके चीनी पकेबा को हमें कवर करके लो फ्लेम रे गोटे 10-15 मिनट पर्यटन कुक करदे मझे मझे गोल दे ना मसला तल लग तो ये आम लिट ओपेन करवा मुको 10 मिनट है 10-15 मिनट है कुक कर मझे मझे गोल भी दौली तो ये आम कौन कर पकईदे आमर आगे मुझे पकईदे आम कसूरी मेथी आ ये जो पनीर क्यूब रखी थे टिके ना एमती गुंड करके पकई दिंतु बाकी आम खंड खंड भी पकेबा तो मुझे किसी किसी गुंड गुंड पकईदी आठ मुझे पकईदे आम खंड पनीर आते मुझे पकईदे आम क्रीम एबे हमें लेटा बंद करके आपको गोटे 10-15 मिनट पर्यटन कुक करवा तो एबे हमें लेटा ओपन करवा तो पनीर लवाबदार आम पूरा पूरी रेडीगला एबे हमें गैस टाक बंद करवा
मु आलु आ प्याजर पुर दे कि अटार गोटे छोट कचुड़ी बनवा तो कचुड़ी कहीपर पूरी भी कहीपर तो मुझेपाई दीटा मीडियम सैज्र आलु को ये पूरा मैश कर दे आउ दीटा मीडियम सैज्र प्याज को मुझे थीन स्लाइस करके रखी आती पक फ्लेवर पर रसुण आउ कंचा लंका तो आमर एति हूँ मेन इनग्रीडियंट मेन प्रिपेरेशन काम एति प्रिपेयर करके रखिया बाकी सब जिन गुंड मसला मुझे कुकिंग कला बेलू देखेबी तो जेहेतु आम अटारे बनवा से देखो अटा भी नेबी एवं तो मुझे देखो गोटे कप अटा नहीं आम स्वाद अनुसार पकेबा लुण आम पकईदे गोटे चामच तेल तो बर्तमान यू खास्ता कर दिंतु आपड़ा चाहिए मैदा भी बन पारे देखो आम अटा बढ़िया से खास्ता होगा तो ये आम अल्प अल्प पा पकईकिटा को गोटे मीडियम थिकनेस रे डोफ्टा बनईदे बेसी मानने हार्ड करें कि बेसी नरम करें तो ये आम अटा चकड़ा हो गला तो ये मुझे कवर करके रखीदेवि गोटे अधघंटा पर्यटन आप देखिए अटा तो मुझे चकुड़ी आमे रेस्ट हाँ छाड़दे अधघंटा पर्यटन ता भितर चलत आम स्टफिंग रेडी स्टफिंग रेडी कर स्टफिंग को भी थंडा हाँ छाड़ा पड़ा से स्टफिंग भी साममटेनियसली आम प्रिपेयर करदे तो बर्तमान चलत आम कुकिंग स्टार्ट करवा स्टफिंग तो स्टफिंग टाइम रेडी करवा सोरसो तेल चाहिए रिफाइंड तेल भी यूज करें तो मुझे पकईदे आगे टी सोरसो तेल एथिरे पकेबा आमे टिके कंचा लंका रसुण आ पकेबा आमे प्याज प्याज को आमे अल्प टिके नरम हिला पर्यंत कुक करबा स्वाद अनुसार लुण पकई देबा तो आप देखिपे पिजटा आम अल्प टिके नरम ही आसला तो ये आम ये पकईदा टी गुंड मसला हल्दी गुंड टे पक लंका गुंड टे पक गरम मसला गुंड टे पक आती पकईवा आम टे टमाटो सॉस पकईबी मु आलु बिल्कुल भी पानी पकईबेनि जस्ट गोटे दि मिनिट पर्यंत भाजिबा तो ये आमर आलु पूरा रेडी हो गला तो बर्तमान यू चलते आम थंडा करदे आगे तो बर्तमान आम स्टफिंगटा थंडा ही सारी आठ आम डो भी देखते बढ़िया से रेडी सारी तो छोट छोट आम ये पूरी गुला पूरी जोटी की सैज्र गुला करती पूरी बनला बेलू सेमती गुला कर दिखाँ तो टे बड़ करवा कारण स्टफिंग दबा ना आम से तो ये आम कौन करवाटा को आम भल भाव गुला करदे एवं आम एमती टी अटा हाथ हो कि आम टे तेल हाथ हो कि आम कौन करवाटा को पूर दवापे गोटे गोल टाइप रो प्रिपेयर करवा कौन कहते एमती होल टाइप रो काकरा कला को आम जमी करूँ तो ये आम कौन करवा जो पूर अच्छे स्टफिंगटा ये पसईदे
जेमिति आपण काकरा बनांती पूरा देखि सेमिति ही एटा को भी बनेबे। तो एमती आप छोट छोट रेडी कर दिंतु। तेलटा गरम हो सारा एम एटा को शलो फ्राए करद। गैस फ्लेम को पूरा लो करके फ्राए करेंगे। गोटे थाली को कंप्लीट करिया को हेले तो गोटे मीठा आइटम तो पक्का रहिबो। तो से मीठा आइटम मु रखी ये पावरोटी खीरी ऑलरेडी वीडियो मु अपलोड कर सारी यूट्यूब रे। तो लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे, आपन चेक करूँ ना ऊपर जो आई बटन अच्छे क्लिक कले भी ये खीरीर रेसीपी आपन पाई परबे। तो वर्तमान चलत आम सब माने आइटम्स रेडी हो गला। चलत गरम गरम आम सर्व करवा। केमती लगला थाली रेसीपी निश्चिंत कमेंट करके कहे जी भल लगला। प्लीज ट्राए करूँ ये दशहरा दीपावली आपणकर भैलेबल फिडबैक् मो सहित सेयार करूँ। जदि मोर रेसीपी सब भल लगुच फ्रेंड्स मान सहित भी सेयार करूँ। मो चैनल को सब्सक्राइब करा भूलं पाखे जो छोटे बेल आइकन अच्छे ना हिट करूँ जहाँ फल हाँ सब लेटेस्ट अपडेट पापर। थैंक यू।